माँ लक्ष्मी की पूजा। और ये रही पूजन सामग्री। हमारे यहाँ धूप चढ़ाई जाती है 16 दिन पूजा होती है ये, तो ये लोग एक ही दिन कर रहे हैं। और खीर का भोग लगता है, और ये पिटौआ, और इसको मीठी पूड़ी भी कहते हैं, मेरे यहाँ इसको पिटौआ बोलते हैं, तो उस तरह का। और ये सब बायना है जो कि अपने भोग के बाद अपनी सासू मैया को दिया जाएगा। जैसे आपको नज़र आ रहा होगा, देखिए ये रहा भोग, और ये रहा थाली, और ये रही खीर, और ये रहे 16 दीपक, और ये हवन कुंड है हमारा, जो कि हम लोग इसमें हवन पूजन करेंगे। ये अलका बैठी है अपनी नेल पॉलिश रह गई है इनके लगाने के लिए। ये देखो लग रहा है मावर, क्योंकि पूजा की पूरी तैयारी हो रही है। लोगों ने लिए पहनी है अपनी रेड व्हाइट साड़ियाँ, दोनों लोगों ने रखी थी बहुत दिनों की। ये रही बंटी, लग रहा है कुछ ना कुछ खजा लेना है। अरे छू मत, रान दे, तुम अपना काम करो, पूजा मछलियाँ घर पर ही मत और रान दे, जल्दी पूजा कर ले। हाँ अब मत ही मारी गई, बाबा कहते भाई डंडा वाला डंडम डमे तास भाई सेवा हो रही। ले जा जी फूल ले, सोई जग जाइए। ताई एक दिन हमें पहले बता दे करो, अगर पान लाने हम संजय लाख दर्द करे लगवा के अच्छो खासो। हाँ तो यहीं पे मिलते हैं वो, हाल क्या ले आएंगे नहीं कोई जान दे, जग जान दे थोड़ा एक अंदर डाल, फिर तोड़ भी डाल रही है जामे हमें। अरे ये सुखाई जाए छोटे के मारे, इससे हर समय डरी तब रात बत्ती निकाल पे अंदर। हाँ पता ताई आ रहे ने भगवान लड्डू गोपाल गिरा दे, और लड्डू गोपाल की बाह में बुलाए हो वो चाहिए दो, उन्हें हटाने को तो मन करना रहो अभी, भैया इतने लाड़ प्यार से रखी है माई कन कहानी बाकी मैं बना रही हूँ गंडा, जो कि ये लोग बांधेंगे 16 गांठ का, तो मैं बना रही हूँ। चाची और ताई जी हवन की पूजा के लिए तैयारी कर रही हैं, हवन में अग्नि जला ली है, और उसके बाद अब ये करेंगी हवन, उसके बाद करेंगी पूजा। ये है अलका का मायना, इसमें बनाए इन्होंने 16 मीठी पूड़ी और 16 लंबी लंबी मिठरी की तरह, जिसका भोग लगाएंगे ये हाथी को, और बनाई है 16 गांठ का गुना, और एक बनाया 8 गांठ का गुना, जो कि 8 गांठ का गुना है वो चढ़ाएंगे हाथी पर, और जो 16 गांठ का है वो बायने में अपनी सास अपने मानपच को दिया जाता है। ये देखिए भोग ये चढ़ा रही हैं, धूप घास जो 16 धूप इकट्ठी करके 16 बार चढ़ाती हैं। इनकी ये पूजा 16 दिन की करती है, ताई जी मेरी एक दिन की करती है, इन्होंने बनाई है 16 दीपक अपने अपने, दोनों लोगों ने खीर बनाई है, और ये ताई जी कर रही हैं अपनी पूजा, और ये लोग कर रही हैं अपनी, क्योंकि ये 16 बार
इनको अर्पित करेंगी। और मैं बना रही हूँ गंडा इन लोगों को बांधने के लिए। 16 चावल गिन के रखे हुए हैं जो 16 बार ही चढ़ाए जाएंगे। 16 चावल, मठरी और मीठी और दूब एक साथ इनको अर्पित कर रहे हैं ये लोग। देखो ये हैं महालक्ष्मी और गणपति बप्पा, और ये रहे ऐरावत हाथी जिनकी पूजा हो चुकी है। और उसके बाद लगाएगा खीर का भोग, ये रखी हुई है खीर। एक बार एक समय की बात है, कुंती और गांधारी आपस में बात कर रहे थे कि कल महालक्ष्मी का व्रत पूजन है, तो मेरे तो 100 पुत्र हैं कुंती, तो मैं 100 पुत्रों से भी मिट्टी एक एक तसला भी मंगाऊंगी तो मेरा बहुत बड़ा ऐरावत हाथी बन जाएगा। और तुम्हारे तो 5 ही पुत्र हैं, तुम्हारा कैसे तुम मंगा पाओगी, तुम तो तुम्हारे तो छोटे से हाथी बनेंगे या तुम्हारे पूरी तरह से संपन्न नहीं हो पाएगी पूजा, क्योंकि बड़ा हाथी बनाकर ही वो लोग पूजा करते थे। तो उन्होंने कहा, वो बड़ी निराश हुई और बैठ गई। तभी उनके पुत्र अर्जुन वहाँ पर आए। अर्जुन ने पूछा और भीम ने पूछा, माँ आप इतनी चिंतित क्यों लग रही हैं। उन्होंने कहा कि कल महालक्ष्मी का व्रत है और मेरे पास तो 5 ही पुत्र हैं, तो मैं तो 5 छोटा सा हाथी बना पाऊंगी और गांधारी के 100 पुत्र हैं, वो एक एक बर्तन भरकर भी लेकर आएंगे तो उनका बहुत बड़ा हाथी बन जाएगा, तो मैं क्या करूं। तो उन्होंने कहा, तुम माँ चिंता क्यों करती हो, तो ऐसी बात है तो मैं पूरा ऐरावत हाथी ले आऊँगा, आप परेशान ना हो। उन्होंने एक बाण चलाया और पूरा एक सीढ़ी की तरह बन गया। वहाँ से उन्होंने लाकर ऐरावत हाथी को अपनी माँ के समक्ष खड़ा कर दिया और उन्होंने उसकी पूजा की जैसे गांधारी माता, जैसे कुंती माता के पुत्रों ने उनकी इच्छा को पूर्ण किया और उन्होंने पूजा को संपन्न किया। ऐसे ही सभी के पुत्र और उनकी इच्छा संपन्न हुआ। माँ लक्ष्मी सभी के घर पर अपनी कृपा बनाए रखे। बोलिए श्री महालक्ष्मी मैया की जय। शॉर्ट कट में बताई है और भी बहुत सारी लॉन्ग कट की कहानियाँ थी, बस याद नहीं है मुझे, एक याद रह गई थी वो आपको मैंने शेयर कर दी है। और ये लगा रही है दीपक, उसके बाद करेंगे ये लोग आरती, धन माया पुत्री सब होती है इनकी। जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता, बांध रहे हैं गंडा। एक दूसरे का पुराना गंडा काट कर नया गंडा बांधते हैं और इसे पूरे एक वर्ष तक ये लोग बांध के रखते। ये दे रही हैं भाईना ताई जी को, ये इनकी सास, बड़ी सबसे बड़ी सास हैं वो गांव में, ये दूसरे नंबर की हैं। तो पहले उन्होंने उन्हें दे दिया था, अब इन्होंने इन्हें दिया है और उसके बाद हो रही है पूजा ख़त्म। उससे फिर आश्रम से वापस और अब हम खाना खाने जा रहे हैं। आप लोग भी हमारे साथ खाना खा लीजिए। देखिए आज खाने में क्या बनाया अलका ने, तो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये राइस, भिंडी, हरी मिर्च और ये रहा अरहर की दाल, तुअर दाल अरहर दाल। ये रहे मेरी बंटी, आप खाएंगी खाना, आप भी आ जाइए खाना खाने के लिए। अलका मोटी लगा ली, ये बंटी अब खाना खा रही हैं। इसी के साथ करते हैं ब्लॉग का एंड, और किसी भी रीजन पर मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।